दोस्तों, राजस्थान में चल रही वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी हाँ, इस फर्जीवाड़ा ने राजस्थान सरकार को 5-10 करोड़ नहीं बल्कि 450 करोड़ का चूना लगाया है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि दोस्तों, मृत हो चुके लोगों के खाते में ये पेंशन उठाई जा रही है। पेंशन के 150 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उन लोगों में बट गए हैं जो राजस्थान के है ही नहीं। ऐसे लोगों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। अब तक करीब 4 लाख लोगों का रिकॉर्ड सामने आया है जो उम्र और कमाई में फर्जीवाड़ा कर सरकार को 450 करोड़ की चपत लगा चुके हैं। सामाजिक न्याय व आधिकारिक विभाग ने विधानसभा को भेजे जवाब में बताया कि ये गड़बड़ी ऑडिट में सामने आई है। पेंशन उठाने वालों में 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 100, 110, 113, 115 या इससे भी ज्यादा बताई गई है। विभाग ने इन सभी 10,000 लोगों के पेंशन खातों को अपने रडार पर ले लिया है और अब हर एक खाते की बारीकी से जांच हो रही है। आपको बता दें कि राज्य में वृद्ध पेंशन के लिए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, लेकिन इस पेंशन योजना में शामिल ऐसे लोगों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है जो राजस्थान के निवासी नहीं है। तकरीबन 4 लाख लोगों का रिकॉर्ड फर्जीवाड़ा कर सरकार को 450 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है। राजस्थान के विभाग ने इस गड़बड़ी को ऑडिट में पकड़ा। इस खुलासे के बाद राज्य सरकार फौरन एक्टिव हो गई है। जिन भी लोगों ने इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है उनकी पेंशन को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में 10,000 से ज्यादा लोगों की आयु 100 से अधिक है। विभाग ने इन सभी लोगों के पेंशन खातों की जांच शुरू कर दी है। कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग मृतक के नाम से पेंशन ले रहे हैं। कई महिलाएं भी विधवा के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर दोहरी पेंशन ले रही हैं। चेक करने पर नकली आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पता पाए गए हैं। अब इनकी जांच की जा रही है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस इनकी पेंशन को रोक दिया गया है। अगर बात करें फर्जी पेंशन लेने वाले राजस्थान के जिलों की, तो यहाँ दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर और नागौर जिले सबसे ऊपर है जहाँ लोगों ने आयु संबंधी फर्जीवाड़ा करके पेंशन ले ली है। इन जिलों में दौसा में 13,955, करौली में 10,485, भरतपुर में 7,951, अलवर में 5,698, नागौर में 4,898 लोगों ने इस तरीके से पेंशन लेने का गलत उपयोग किया है। वहीं इनकम संबंधी गलत प्रमाण पत्र के मामलों में बूंदी, झालावाड़, जयपुर, बारा और हनुमानगढ़ जिलों के लोग शामिल हैं। इन जिलों में झालावाड़ में 5,852 और बूंदी में 5,553, जयपुर में 4,091, बारा में 3,913 और हनुमानगढ़ में 3,751 लोगों ने गलत तरीके से पेंशन प्राप्त किया है। दोस्तों, अब राजस्थान सरकार फर्जीवाड़ा पेंशन को रोकने के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जा सके और इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।